सो so, इस केस के अंदर हम अब एलिस्ट्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि किस तरीके से ट्रेड डाइवर्जेंट कस्टम यूनियन काम करती हैं सो वंस अगेन हम नेशन टू की बात करेंगे पार्शल इक्लेब एनालिसिस है आपके पास सप्लाई uh, कर्व है डिमांड कर्व है इक्लेब इज एट पॉइंट थ्री वेयर प्राइस आर थ्री पॉइंट ई के ऊपर प्राइस आर एट पॉइंट थ्री कमोडिटी इज थर्टी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम अब हमने ये बात की कि आपके पास नेशन टू जो है अब यहाँ पे पहले मैं ऊपर लिख लेता हूँ कि नेशन वन इज़ प्रोड्यूसिंग एट डॉलर वन एंड नेशन थ्री इज़ प्रोड्यूसिंग एट डॉलर वन पॉइंट फाइव अब ऐसा होता है कि आपके पास नेशन जो है वो टू हंड्रेड परसेंट एडवलरम टैरिफ लगाती है एक्स कॉमोडिटी की इम्पोर्ट के ऊपर और अगर वो नेशन वन से इम्पोर्ट करती है तो नेशन टू को जो डोमेस्टिक प्राइस मिलेगी ट्री ट्रेड प्राइस जो वन मिल रही थी अब वो मिलेगी टू इस बेस के ऊपर यहाँ पे अब आपके पास जो डोमेस्टिक सप्लाई आ रही है दैट इज़ ट्वेंटी और जो डिमांड uh, है दैट इज़ फिफ्टी और जो ट्रेड हो रही है वो हो रही है थर्टी की वंस अगेन और uh, यहाँ पे इस ये रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है फ्रॉम द फ्रॉम द स्टेट थर्टी की रेवेन्यू कलेक्शन हो रही है वन एंड थर्टी जो ट्रेडिशनली हम लोग रहे थे अब ऐसा होता है कि नेशन टू जो है वो कस्टम यूनियन फॉर्म करती है विद नेशन थ्री ओनली अब नेशन थ्री के अंदर प्राइस है वन पॉइंट फाइव डॉलर और ड्यू टू द कस्टम यूनियन नेशन थ्री के ऊपर टैरिफ खत्म कर दिए गए जो आपको प्राइस मिलेगी इंटरनेशनली नेशन थ्री दैट वुड बी वन पॉइंट फाइव डॉलर तो हम यहाँ से अब रेवेन्यू की बात कर नहीं करते क्योंकि अब टैरिफ आपने लगाया ही नहीं तो स्टेट को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो so, अब जो प्राइस है यू आर गेटिंग डॉलर वन पॉइंट फाइव ज़ीरो एज प्राइस डोमेस्टिक सप्लाई इज़ रिड्यूस्ड दैट इज़ फिफ्टीन आपके पास डोमेस्टिक डिमेंड जो है वो अगर आप देखें दैट इज़ सिक्सटी इस केस के अंदर आपके पास डिमेंड है सिक्सटी और जो आपके पास सप्लाई है दैट इज़ फिफ्टीन तो आपके पास जो इम्पोर्ट्स हैंट इज़ फोटी फाइव इट मीनस कि आपके पास जो पहले इम्पोर्ट थी थर्टी वो इंक्रीज़ हो के फोर्टी फाइव हो गई हैं लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंगली हुआ क्या है कि जो एक्स कमोडिटी की ट्रेड है ख़ास तौर पे वो डाइवर्ट हो गई है फ्रॉम नेशन वन टू नेशन थ्री ड्यू टू द कस्टम यूनियन अब इंटरेस्टिंगली अगर नेशन वन वन डॉलर में प्रोड्यूस कर रही है कमोडिटी और नेशन थ्री वन पॉइंट फाइव डॉलर में प्रोड्यूस कर रही है तो अल्टीमेटली आपके पास नेशन वन को कहा जा सकता है कि ही इज़ द नेशन इज़ प्रोड्यूसिंग एफिशिएंटली देन द नेशन थ्री अब इस वजह से आपके पास ट्रेड डाइवर्जन डाइवर्ट हुई है लेकिन कुछ ट्रेड क्रिएशन भी हुई है अल्टीमेटली इससे वो क्या हुई है कि आपके पास जो थर्टी की ट्रेड थी वो अब कितनी की हो गई है फोर्टी फाइव की तो आप ये कह सकते हैं कि कस्टम यूनियन की वजह से आपके पास 15 कमोडिटीज़ मोर ट्रेड कर रही हैं या बिटवीन द कस्टम यूनियन ज़्यादा मूव कर रही हैं तो अल्टीमेटली जो ट्रेड डाइवर्जेंट कस्टम यूनियन ने कुछ ट्रेड को क्रिएट भी किया है और वो क्रिएशन हुई है प्लस 15 की तो यहाँ पे एक ओवरऑल ये सिनारी देख सकते हैं कस्टम यूनियन के अंदर सिर्फ एक इफेक्ट ये आया है कि आपके पास एज़ अ नेशन आपने ड्यू टू द कस्टम यूनियन रिसोर्स वर्ल्ड रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज नहीं किया ड्यू टू द प्रिफ्रेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स यू आर गिविंग मोर चांसिस नेशन विच इज़ लेस एफिशेंट एट इंटरनेशनल लेवल एंड दैट नेशन इज नेशन थ्री बिकॉज नेशन थ्री जो है उस कमोडिटी को हायर प्राइस पे प्रोड्यूस कर रही है अब नेक्स्ट मड्यूल के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसकी आगे से डिस्ट्रीब्यूशन होती है इस इफ़ेक्ट को कि ओवरऑल uh, किस तरीके से कंज्यूमर सरप्लस में चेंज आता है प्रोड्यूसर सरप्लस में और तीसरा प्लेयर स्टेट किस तरह इफेक्ट होती है यहाँ से